दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी शक्तिशाली और सम्माननीय भारतीय सेना समेत दुनिया की जितनी भी उच्च स्तरीय सेनाएं हैं, वे ज्यादातर अपनी एरियल एक्टिविटीज के लिए राउंड पैराशूट का इस्तेमाल ही करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि इन मिलिट्री पैराशूट के सेंटर में ये गोल छेद क्यों होता है, जबकि इनके मुकाबले किसी भी अन्य और पैराशूट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता? तो चलिए आज इस बारे में भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इस तरह के राउंड पैराशूट पर्सनल और कार्गो ड्रॉप जैसे दोनों ही अहम कार्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दुनिया की कोई भी मिलिट्री ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके सैनिक बीच हवा में उलझते हुए गंभीर स्थिति में लैंड हो, और इसी क्रिटिकल सिचुएशन को काउंटर करने के लिए ये छेद एक अहम भूमिका निभाता है। बता दें, ये छेद पैराशूट में आने वाली हवा को अपने अंदर से होते हुए लगातार बाहर निकालता रहता है, जिससे इन राउंड पैराशूट की स्थिरता अन्य पैराशूट की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हो जाती है, और इसी स्थिरता के कारण दो पैराट्रूपर के टकराने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि किस वजह से ये छेद मिलिट्री पैराशूट्स में होता है।